हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको 35 वर्ड्स पर मिनट के हिंदी टाइपिंग के क्रैश कोर्स के बाद मैं आपको 50 शब्द प्रति मिनट का क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। सो आज ये उसका डे वन है, पहला दिन है। सो अभी तक आपने 35 वर्ड्स पर मिनट के क्रैश कोर्स में संस्कृत टाइप की है, ठीक है। अब आपको नॉर्मल जो हिंदी होती है वो टाइप करनी है, लेकिन इतनी भी नॉर्मल नहीं। आपको मैंने ये विज्ञान की जो हिंदी है, कि विज्ञान की जो भाषाई हिंदी होती है वो काफ़ी कठिन होती है लिखने में भी, पढ़ने में भी, और जाहिर सी बात है टाइप करने में भी। तो ये आपको टाइप करना है। आज मैंने आपके लिए दो पैरा यहाँ पे दिए हुए हैं। के आधार पर ही की जा सकती है यहाँ तक। तो इन दोनों पैराग्राफ्स को आपको 30 बार करना है। कितनी बार करना है आपको? 30 बार करना है। आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, पर आपको 5 5 बार करके करना है। आप 5 बार करो, फिर रेस्ट करो, फिर 5 बार करो। ऐसे आपको 3 से 4 दिन के भीतर, मैक्सिमम आपको 4 दिन के भीतर ये 30 बार कर डालना है, ठीक है। अब क्योंकि ये कठिन हिंदी है, कठिन मैटर है, तो आपकी सभी अक्षरों की जो प्रैक्टिस है बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसकी जो PDF की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो, हालांकि होगा नहीं। और दूसरा जो आपका पॉइंट है वो कि आपको बैक स्पेस का जो यूज़ है कम से कम करना है। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि आप शुरू की 3 से 4 लाइन या 5 लाइन बहुत धीमे टाइप करो, बहुत स्लो टाइप करो, और बहुत सावधानी से भी टाइप करो, ताकि आपकी एक भी गलती ना होने पाए। अगर आप शुरुआत की 3 से 4 लाइन या 5 लाइन में ऐसा कर लेते हैं, तो आप जो आप पूरा जो आपका मैटर है उसमें भी आपकी मिस्टेक होने का जो चांस है वो कम से कम रहता है, या गलतियाँ होती ही नहीं हैं, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी भी टाइपिंग मैटर की शुरुआत करोगे तो आपको शुरू की 4 5 लाइन अच्छे से स्लो टाइप करनी है और बहुत केयरफुली टाइप करनी है, ताकि आपकी गलतियाँ शुरू में ना हो जाएँ। क्या होता है कि कुछ लोग शुरू में ही स्पीड के चक्कर में रहते हैं और शुरू में ही वो 3 से 4 गलतियाँ कर देते हैं, तो होता क्या है, उनका रिदम ख़राब होता है और उनका कॉन्फिडेंस भी गिरता है, तो उससे आगे भी आपकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप शुरू में ये रिदम मेंटेन कर लेते हो कि आपकी एक भी गलती ना हो 4 से 5 लाइन में, तो आपकी आगे भी पूरे मैटर में गलतियाँ नहीं होंगी या कम से कम होंगी, ठीक है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको शुरू से ये ध्यान रखना है। इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी, और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।